कबाटी बन के तैयार हो गया है। इसका प्रोसेस क्या है आगे आप वीडियो में देखिए, मैंने पूरा प्रोसेस बताया है। और नमस्कार, मैं रश्मि मिश्रा, रश्मि खजाना में बाटी सत्तू भर के बाटी, स्टफ्ड बाटी और चोखा बनाने जा रही हूँ। बहुत ही अच्छा हेल्दी ये फूड है, आप उसको ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और लंच में खाइए, डिनर में खाइए, बहुत ही हेल्दी होता है क्योंकि ऑयल फ्री होता है। तो ये जो ये मैंने स्टफिंग के लिए सत्तू ले लिया है और इसमें थोड़ा सा मिर्ची के अचार का मसाला थोड़ा सा डाल देंगे और उससे उसमें एक स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है। तो एक चम्मच के करीब मैंने मसाला डाल दिया है और थोड़ी सी ये चटनी धनिया की, और बहुत से लोग नहीं डालते हैं इसमें, हरी धनिया मिर्ची अदरक सब मिक्स होता है तो मैं वो डाल देती हूँ, और थोड़ा सा महीन कटा हुआ प्याज, ये देखिए ये प्याज डाल दिया महीन कटा हुआ, ये हो गया। और उसके साथ फिर ये मसाला डाल दिया और उसी के साथ मैं नमक डाल दूंगी स्वाद के अनुसार, ये नमक डाल दिया। और चूंकि चटनी में अदरक लहसुन हरा धनिया मिर्चा सब पड़ा है तो इसमें और कुछ ज़्यादा डालने के लिए, और नमक अपना स्वाद के अनुसार, और स्टफिंग आपको जितनी बनानी हो मतलब जितना बाटी बनाना है उस हिसाब से ले लिया। अब इसको अच्छी तरह से एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मिक्स करके और इसी स्टफिंग को भर के बाटी बनाएंगे। और बाटी के लिए आटा मैंने बनाया है सिंपल, जैसे आटा होता है उसका रोटी के लिए, इसमें ज़रा सा ऑयल डाला है, हल्का नमक और हल्की सी अजवाइन, बस यही डाल के डो बना लिया है और बना रोटी की तरह। अब इसी में स्टफिंग करके बाटी बनेगी। और चोखा कैसे बनेगा वो मैं आगे दिखाती हूँ। और बैंगन आलू टमाटर को रोस्ट कर, ये देखिए मैंने बैंगन टमाटर को भून लिया, आलू को भून के दो आलू मैंने छील के इसमें निकाल लिए, अब इसको भी भून लिया है, दो टमाटर और एक बैंगन है, अब इनको भी छील के सब मिक्स करके इसमें प्याज है, हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च और तेल और मसाला उसका मिर्ची के अचार का और खटाई, अब इन सब चीज़ मिला के चोखा बनाएंगे। बहुत ही लाजवाब और टेस्टी चोखा बनता है। मैंने चोखे के लिए देखिए आलू को भुना था उसको छील लिया है, दो टमाटर है उसको भी छील लिया है भून के, और भूनने से रोस्ट करने से मैंने तंदूर में करा है, गैस तंदूर में, आप चाहे कोयले में कर सकते हैं, कंडे में कर सकते हैं, उससे स्मोकी फ्लेवर आता, उससे बहुत ही टेस्टी चोखा बनता है। तो ये मेरा ये मिर्ची के अचार का मसाला है, हरी मिर्च है, अदरक है कद्दूकस की हुई, हरी धनिया है, थोड़ा सा लहसुन महीन काटा है और प्याज। अब ये सब चीज़ों को इसमें मिला के और मैश, चाहे मैशर से कर लीजिए, चाहे चम्मच से कर लीजिए, चाहे हाथ से कर लीजिए, जैसे भी आपको बनाना है वैसे ही इसका चोखा बनाइए। और बाटी में जो मैंने आपको दिखाया था सत्तू भर के बाटी बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे वो भी मैं दिखाऊंगी। और अब इसमें मैं सारी चीज़ें मिला रही हूँ, ये अदरक और हरी मिर्च डाला, हरा धनिया, ये प्याज और लहसुन महीन कटा हुआ, और ये लास्ट में ये तेल और थोड़ा सा कच्चा उसका तेल, ये तो अचार का मसाला है, थोड़ा सा वैसे कड़वा तेल भी डाल देंगे, उससे बहुत ही बढ़िया लगता है। और आपका ना मन हो तो ना डालिए, लेकिन डालना चाहिए कच्चा कड़वा तेल, मतलब सरसों का तेल, उससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और इसको सब मिलाने के बाद लास्ट में खटाई, ये देखिए मैंने सारी चीज़ें मिला दी, तेल का उसका मसाला भी, मिर्ची के अचार का थोड़ा सा तेल एक चम्मच, और ज़रा सी खटाई, खटाई ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम टमाटर डाल रहे हैं, उससे खट्टापन आ जाता है, लेकिन आपको ज़्यादा अगर खट्टा खाना है तो खटाई डालिए, नहीं तो अच्छी तरह से इसको मैश कर लीजिए, मैशर लगा लीजिए, हाथ लगा लीजिए, उससे सारी चीज़ें आलू टमाटर सबको एक साथ कर लीजिए और इसी के साथ बाटी को सर्व करना, कितना बढ़िया चोखा बन के तैयार होता है, बहुत ही लाजवाब। और प्रपोर्शन आलू कितना डालना है, आप ना डालना चाहे तो आलू ना डालें, लेकिन डालने से अच्छा लगता है, तो एक दो आलू डाल दीजिए एक बड़े बैगन में, दो टमाटर डाल दीजिए, हरा धनिया प्याज वगैरह इस तरह से सब मिला के, और उसके बाद आप सर्व करिए। देखिए कितना बढ़िया मेरा स्मोकी फ्लेवर के साथ चोखा बन गया है, मैंने मैश कर दिया सब, अब ये रेडी है और उसके साथ मैं बाटी बनाऊंगी और कैसे सर्व करना है वो मैं, ये देखिए मैंने ये चोखा बना लिया है और ये आटा लेने ले लिया है, खूब
उसमें हल्का सा तेल नमक डाल के एकदम बढ़िया डो बना लिया है। और इसी में मैंने एक भरवा, मैंने भरवा बनाया है, भरावन बनाया है ये सत्तू का, और इसको स्टफ़ करके बनाएंगे। तो जैसे एक लोई मैंने तोड़ी, पहले बना के रख लेंगे, फिर एक साथ उसको तंदूर में बनाएंगे। ये देखिए ऐसे ये भरावन को भरा, आपको जितना भरना हो भरिए, और इस तरह से ऐसे ये देखिए, और ऐसे थोड़ा सा दबा दीजिए, और इस तरह से बाटी बनाए, बाटी बना के, और ये उसमें मैं तंदूर में बनाऊंगी, गैस तंदूर है मेरे पास, और इसी तरह से। और आपका मन हो, जैसे आपको बाटी नहीं खाना, आपको इसको भर के सत्तू का पराठा भी आप बना सकती हैं, ये सत्तू के भरावन, ये इसी भरावन को भर के आप सत्तू का पराठा भी बना सकती हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने जैसे ये बना ली है बाटी, ये देखिए इसी तरह से बना लेंगे और इसको गर्मा गर्म सेक के खाएंगे। तो आपको बाटी बनाना मैंने दिखाया, मैंने बाटी बनाई है, और इसको मैंने ये तंदूर में इसी तरह से लाल लाल पका लें, और पकाने के बाद अब गर्मा गर्म इसमें घी डालें, और घी डाल के और चोखे के साथ चटनी, हरी धनिया की सलाद ले लीजिए, कि प्याज है, मूली है, जो भी चाहते हैं उसी के साथ साथ। तो मेरी बाटी बनके तैयार है, अब इस पर मैं घी डालूंगी, अगर आपको घी नहीं पसंद तो मत डालिए। देखिए मेरी बाटी बन गई है, और इसमें मैं थोड़ा सा घी डालूंगी, ये गरम है तो गरम गरम में ही घी डाल दीजिए, इसमें फट जाती है, और तो इसी पे घी डालिए, और इसमें या तो पूरे में डुबो दीजिए घी से। ये देखिए मेरी फट गई है, उसके बीच से फट गई है, इसमें मैंने घी डाल दिया, गर्मा गर्म होने से वो पिघल जाएगी, और पिघल गई, ये देखिए घी मैंने डाल दिया है अच्छी तरह से, और इसको गर्मा गर्म आप परोसिए। कैसे परोसना है वो दिखा रही हूँ मैं, ये मैंने प्लेट तैयार की है, ये देखिए गर्मा गर्म बाटी घी के साथ, मैंने मूली मिर्ची हरी धनिया की चटनी और चोखा के साथ सर्व किया। आपका जैसे मन हो वैसे खाएं, वैसे चोखे के साथ इसका कॉम्बिनेशन बेस्ट होता है, वैसे ही हम लोग खाते हैं, और बहुत ही लाजवाब टेस्टी बनती है। तो आप भी इस तरह से बनाएं, खाएं, खिलाएं, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। तैयार हो गया है, आप भी ऐसे बनाएं, इसी तरह घी के साथ परोसें, सलाद दीजिए, चटनी और चोखा के साथ, और कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, इसका कॉम्बिनेशन बेस्ट है चोखे के साथ। आप भी इस तरह बनाएं, खाएं, खिलाएं, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।